एक गच्छाधिपति श्री के साथ अत्यंत अविनय से तिरस्कार पूर्वक अति निम्न कक्षा का व्यवहार साधु भगवान करे। या श्रावक लोग करें तो कोई हर्ज नहीं। अरे यहां तक कि श्राविकाएं भी धर्माचार्य का खुलेआम अपमान करें। तो भी कोई आपत्ति नहीं है, उनको रोकने के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं और भूल स्वीकारने की तैयारी भी नहीं। लेकिन एक अन्य गच्छीय साध्वी जी ये सारा अनुचित व्यवहार से व्यथित होकर बीच बीच में बोलने का प्रयत्न करे तो उनको रोकने की, ताने लगाने की, धमकाने की, यहां तक कि अपमानित करने की भी पूरी अनिवार्यता दिखाई देती है। धर्म क्षेत्र में भी अपने लिए और दूसरों के लिए उचित वर्तन के मापदंड अलग क्यों किए जा रहे हैं? भगवान सभी को सच्चा मार्ग दिखाए। आखिर इन तथ्यों का इनकार कब तक? कोई भी अभिप्राय देने से पहले एक बार अवश्य देखें, कहीं हमारे ही हाथों नेक इरादे से शासन रक्षा का ऐलान करने वाले धर्माचार्य की आशक्ता न हो जाए।